बीते कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक खबर सामने आई थी। जी हाँ, ये खबर थी कि सुशांत सिंह राजपूत को अपना घर खाली करने का नोटिस मिल चुका था। इसका कारण था कि उनके रहने का तरीका, कुछ की माने तो देर रात तक चलने वाली पार्टियां, तो वही कुछ का माने तो वही सुशांत सिंह राजपूत का एटीट्यूड प्रोड्यूसर्स को पसंद नहीं आ रहा था। उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही थी। वहीं सुशांत के ब्रोकर की माने तो सुशांत और रिया अपने लिए नया घर भी तलाश रहे थे। बता दें कि ब्रोकर ने यह भी कहा कि रिया ने कंफर्म किया था कि दोनों शादी कर रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले ही महेश भट्ट की लेखिका सुहर्षता ने कंफर्म किया था कि महेश ने रिया को सलाह दी थी कि सुशांत को वो छोड़ दे। सुशांत के भाई ने भी कंफर्म किया था कि पूरा परिवार उनकी शादी की तैयारी कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो खबरें आई वो उसकी बिल्कुल उलट निकली। तो ये अगर ये बात सच है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत नवंबर में शादी करने वाले थे, तो जी हाँ, तो बात ये भी सच है कि रिया चक्रवर्ती कुछ दिन पहले ही सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ चुकी थी और अपना सारा सामान लेकर वहाँ से निकल गई थी। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की दोस्ती करीब साल भर पहले ही हुई थी। इस दोस्ती ने बहुत ही जल्द प्यार का रंग ओढ़ लिया। सुशांत और रिया के अफेयर की खबरें हर जगह सुर्खियां बन चुकी थी। दोनों साथ में छुट्टियां मनाते भी दिखे, जिसके बाद तय था कि दोनों अपने रिश्ते को जल्द ही नाम देंगे। सुशांत सिंह राजपूत फिल्मों से दूर होते जा रहे थे। उनके पास प्रोजेक्ट आते थे और फिर प्रोजेक्ट्स चले जाते थे। बता दें कि इसका कारण सुशांत सिंह राजपूत खुद ही थे। खबर थी कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी फीस बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनके प्रोड्यूसर्स उनके इस फैसले से खुश नहीं थे, बल्कि कुछ प्रोड्यूसर्स उन्हें फीस कम करने का दबाव भी डाल रहे थे, क्योंकि आने वाले दिन इंडस्ट्री के लिए काफी भारी पड़ रहे थे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत का मानना था कि छिछोरे की सफलता के बाद फीस बढ़ाना उनका हक था, लेकिन कोई उनके इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। इस बात से सुशांत काफी लोगों से नाराज हो गए थे। दूसरी तरफ सुशांत अपने हर नए प्रोजेक्ट में अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेने की जिद करने लगे थे और उनकी ये जिद कोई नहीं मानना चाहता था, लेकिन सुशांत अपनी इस बात पर अड़ जाते थे और इस वजह से लोगों से उनके कॉन्टेक्ट्स खराब हो जाते थे। सुशांत धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री की सफलता और असफलता के पैमाने से हमेशा की तरह दूर होते गए और बाकी चीज़ों पर ध्यान देने लगे। अपने टीम को 100 बच्चों की लिस्ट तैयार करने को कहा था जो नासा जाना चाहते थे। उनको उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत तैयार थे। धीरे धीरे सुशांत की टीम भी उनसे दूर होती जा रही थी, उनके साथ ही उन्हें छोड़ते जा रहे थे और जो थे वो सुशांत के सगे नहीं थे। उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत से दूर कर लिया था, क्योंकि उन्हें लगा उन्हें समझ आना बंद हो चुका था। बता दें कि सुशांत ने लोगों से मिलना छोड़ दिया था, पार्टियों में जाना छोड़ दिया था। उनके दोस्त गिनती के थे और वो जिंदगी में रंग चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने सोशल मीडिया से भी खुद को दूर कर लिया था। आखिरकार 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने कमरे में खुद की जान दे दी। इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाया जा रहा है कि क्या वाकई बॉलीवुड की गुटबाजी और दबाव सुशांत के इस निधन का कारण बनी है। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट।